मैं पहले भी तमाम लोगों से, पीर पंजाल रीजन से या सब लोगों से मैं यही अपील करता हूँ कि जैसे कि हमने वेव सेकंड को बड़ा लाइटली लिया था और हमें अपन काफ़ी अपने लोगों की जान जो है खोनी पड़ी। कई लोगों ने ये, आज भी लोग ये पूछते हैं कि वायरस है या नहीं, पर ये कितनी बड़ी एक नादानी है या बेवकूफ़ी है। आज भी लोग ये मानने को तैयार नहीं होते, और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो शादियों में या कहीं भी जो है गैदरिंग काफ़ी हो रहे हैं, और जो इस पे जो मास्क वगैरह है जो इस पे प्रिकॉशन लेना चाहिए वो नहीं ले रहे। तो आज काफ़ी दिनों बाद जो हमारे पास एक जो COVID-19 रिलेटेड डेथ हुई है, ये पेशेंट हमारे पास 23 तारीख को एडमिट हुआ था, तो आज इनकी डेथ हो गई। 50 ईयर ओल्ड ये पेशेंट था। तो इसलिए मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले की तरह हमें अलर्ट रहना है, जब तक ये वायरस हम है इसके इससे हमने लड़ना है, और ये हमारा ऐसा दुश्मन है जो दिख नहीं रहा, इसलिए हमें इसे बहुत ही अलर्ट रहना है। और मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी बार बार कि मास्क पहने, बिना वजह जो सिटी में ना आए, जितने भी गैदरिंग में हो सके ना आए। दिवाली तो चलो खुदा के फजल से जो है निकल गई, कुछ केस नहीं आए, पर जो अब शादियों के जो सीजन है इसे मैं देख रहा हूँ कि काफी गैदरिंग हो रही है, और वेव थर्ड एज पर जो आनी ही आनी है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है पहले से, ताकि हम अपने लोगों की जान बचा सके। इसलिए गैदरिंग में कम जाएं, मास्क पहने, अपने जो जितना भी प्रिकॉशंस वगैरह हैं पूरी तरह जो बार बार हम बताते हैं उनको पूरी तरह अपनाएं। जैसे कि अब वेव थर्ड के आने के चांसेस हैं और आके रहेगी, इसलिए हमने अपने जो हॉस्पिटल में जो बूथ हैं वो बढ़ा दिए हैं, उसमें हमने रैट टेस्ट भी हम ऑन स्पॉट कर रहे हैं, और RT-PCR के जो टेस्ट हैं हमें उनको भी बढ़ावा दिया है। तो उसकी वजह से हमें ये काफ़ी पता चल रहा है कि कितने केसेस जो हैं निकल रहे हैं या नहीं, पर फिर भी कुछ लोग जो अपनी जो हिस्ट्री है वो छुपा देते हैं, या जहाँ टेस्ट हो रहे होते हैं उसको उस जगह को अवॉइड करते हैं, ये उन लोगों की एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और मेरे लिए एक ये स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी कि वैक्सीनेशन की वजह से काफ़ी लोगों में ये बचाव हो जाता है, जिन लोगों की सेकंड डोज बकाया है या फर्स्ट डोज जिन्होंने नहीं लगवाई, एज अर्ली एज पॉसिबल वो अपने इस डोज को कंप्लीट करें, ताकि वेव थर्ड से बच सकें। और ये एज ए डॉक्टर, एज ए नोडल अफसर और एज ए लोकल, मैं यही लोगों को बोलूंगा कि अपनी जो वैक्सीन है उसको जल्द अज जल्द पूरा करें, ये वैक्सीन ही हमें 80-90% जो है बचा सकती है।